आज हम जानेंगे कि विद्याधर और लब्धि में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है और चारण क्या होता है। तो विद्याधर का एक वंश होता है, जैसे रावण का वंश। वैताड्य पर्वत पर उनका जन्म होता है, शुरू से ही विद्या की शिक्षा दी जाती है। लब्धि का अर्थ होता है प्राप्त होना। लब्धि कुल 28 है। लब्धियाँ साधना से मिलती है या प्राप्त होती है। साधु श्रावक सम्यक दृष्टि को प्राप्त होती है तो अभवी और मिथ्या दृष्टि को भी लब्धियाँ प्राप्त हो सकती है और होती भी है। चारण लब्धि के दो प्रकार है, जंगाचारण जो सिर्फ जैन मुनियों को होती है और विद्याचारण यानी गति करने या उड़ान करने वाले जैन मुनि। जंगाचारण वाले साधु एक उड़ान से मेरु पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वापस नीचे उतरते समय बीच में एक बार रुक कर आते हैं, और विद्याचारण जाते समय बीच में एक बार रुकते हैं और वापस आते या नीचे उतरते समय बिना रुके आते हैं। वर्तमान में विद्याधरों की शक्ति कुक्कुट या मुर्गे की उड़ान की शक्ति जितनी ही बताई है, अर्थात विशिष्ट शक्तियाँ अभी नहीं होती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी विद्याधर व लब्धि धारक में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।